बैतूल की आठनेर तहसील के मांडवी गांव में 6 साल का तन्मय कल शाम 5 बजे से एक बोरवेल में फंसा हुआ है। बोरवेल की गहराई लगभग 400 फीट बताई जा रही है, लेकिन तन्मय जो है तकरीबन 50 से 55 फीट गहराई में फंसा हुआ है। कल शाम 5:30-6 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है, पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और अभी भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वहां पर एक सुरंग बनाई जा रही है जिसके जरिए तन्मय तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही है। रात भर से ये सुरंग बनाने का काम जारी है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही है सुरंग बनाने में वो है कड़ी चट्टानें। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये जो पत्थर दिख रहे हैं, जो चट्टानें दिख रही हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये बीच में आ रहे हैं और इन्हें तोड़ करके जो है गड्ढा बनाया जा रहा है। और इसके बाद जब गड्ढा जो है उस गहराई तक पहुंच जाएंगे जहां पर तन्मय फंसा हुआ है, और उसके बाद सुरंग बनाने का काम जो है शुरू किया जाएगा। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि रात में भी प्रशासन ने एक प्रयास किया था तन्मय को बाहर निकालने का। उन्होंने एक नॉट बना करके जो तन्मय का हाथ दिखाई दे रहा था बोरवेल के अंदर, उसके हाथ में नॉट फंसा कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की थी वर्टिकली, लेकिन गलती ये हो गई कि नॉट जो है वो उसके हाथ से स्लिप हो गई और तन्मय वापस वहीं फंसा हुआ है। फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि NDRF SDRF की पूरी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जिला प्रशासन से लेकर के नर्मदापुरम संभाग से भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। काफ़ी युद्ध स्तर पर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है और लगभग 35 से 37 फीट तक जो है गड्ढा खोदा जा चुका है। जो मलबा निकल रहा है उसे दूसरी ओर डंप किया जा रहा है और प्रशासन की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ये पूरा गड्ढा जो है ये खुद जाए और जिसके बाद सुरंग बनाने का काम शुरू हो सके। सुरंग और बोरवेल की दूरी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसमें समय शायद कम लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा टास्क जो है वो यहाँ गड्ढा खोदने का है, जिसका काम अभी यहाँ जारी है। जहाँ तक तन्मय की हेल्थ अपडेट की बात है तो रात के बाद अभी तक तन्मय की तरफ से कोई रिस्पांस हो नहीं रहा है, जिससे प्रशासन को चिंता भी है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि देर सवेर तन्मय जो है वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा और सबको उम्मीद यह है कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। बैतूल से ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।